क्या आप अपने मेन कीवर्ड और मेन लोकेशन के लिए अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को रैंक कराना चाहते हैं? जब आप किसी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का SEO करना शुरू करते हैं तो आप कई सारी चीजों पर काम करते हैं, लाइक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन, साइटेशन की स्ट्रेटजी, बैकलिंक्स का जुगाड़। बट एक चीज है जिसके ऊपर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है, यह है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज आपकी लिस्टिंग की रैंक और हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये पेज ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी लिस्टिंग के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन गूगल को नहीं मिलती है। ओके, मान लिया कि आपने अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज किया है हमारा ये वाला वीडियो देखकर, बट ये ऑप्शन आपके कंपेटिटर के पास भी है, उसने भी सेम वही इंफॉर्मेशन फिल की है, तो फिर आखिर गूगल आपकी लिस्टिंग और आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग के बीच में कंपैरिजन कैसे करेगा? आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लैंडिंग पेज पर अपने कीवर्ड और अपनी लोकेशन के नाम को 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस लिस्टिंग की रैंक को ऊपर ले जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम लोकल SEO के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। मोनेटैग एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो हर तरह के पब्लिशर्स को अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की फैसिलिटी देता है। मोनेटैग सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइजर के बड़े से नेटवर्क्स के साथ काम करता है, जिससे आपको मिलता है 6 टाइप के AI एनहांस्ड एड फॉर्मेट्स, हाईएस्ट CPM, 100% फिल रेट, सेफ और रिलेवेंट एड्स और $5 की लोएस्ट विथड्रॉल लिमिट। सो चेक मोनेटैग टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हो, ब्लॉगर वाली वेबसाइट हो, विक्स हो, शॉपिफाई हो या फिर नॉर्मल HTML PHP वेबसाइट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये सारे पॉइंट्स वैलिड रहेंगे हर तरह की वेबसाइट के ऊपर। नाउ इस वीडियो की शुरुआत में मैंने लैंडिंग पेज वर्ड यूज किया है। वेल, जब भी आप अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बनाते हैं और उसमें URL को एंटर करना होता है तो आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के होम पेज को नहीं बल्कि किसी भी इंटरनल पेज को लिंक कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का लैंडिंग पेज। ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसे यूज करें, आप इंटरनल पेज यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक्स हैं ये आप होम पेज पर तब यूज करेंगे जब आप अपने होम पेज को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के साथ में लिंक कर रहे हैं। अगर आप किसी इंटरनल पेज को लिंक कर रहे हैं तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन आप उस इंटरनल पेज पर करेंगे, होम पेज पर नहीं करेंगे। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक डेमो बिजनेस को यूज करेंगे, उसी के हिसाब से आपको एग्जांपल में दूंगा। लेट्स इमेजिन कि हमारा एक क्लाइंट है एक डेंटल क्लिनिक जिसका नाम है स्माइल डेंटल क्लिनिक और ये दिल्ली के राजेंद्र प्लेस नाम के एरिया में है। सो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी पर काम करने से पहले हमें सबसे पहले अपना फोकस वर्ड रेडी करना होगा। हमारा डेंटल क्लिनिक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लाइक रूट कैनाल, विजडम टूथ रिमूवल, ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, रेगुलर जो क्लीनिंग होती है वो, और साथ में चाइल्ड डेंटिस्ट्री भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्लिनिक के जरिए। बट हमारे क्लिनिक का जो फर्स्ट गोल है वो है बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी कीवर्ड के लिए रैंक करना, बिकॉज अगर डेंटल क्लिनिक के लिए रैंक करेंगे तो ब्रेसेस वाली क्वेरीज भी मिल सकती है, रूट कैनाल वाली क्वेरीज भी मिल सकती है, विजडम टूथ वाली मिल सकती है। इतना सबको पता है कि सारी सर्विसेज डेंटल क्लिनिक पर ही मिलेंगी। सो हमारा मेन कीवर्ड होगा बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी। अब हमें अपना जियोटैग डिसाइड करना है। जियोटैग वो एरिया है जिसके लिए आपका बिजनेस रैंक करना चाहिए। यहां आपको सोच समझ के लोकेशन डिसाइड करनी होगी। मे बी आपका क्लाइंट जिद करे कि मुझे पूरी दिल्ली में रैंक करना है, लेकिन आपको सोचना होगा कि आखिर कोई ओखला से या नेहरू प्लेस से राजेंद्र प्लेस तक डेंटिस्ट के लिए क्यों आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई सर्जन होता बड़ा फेमस तो मे भी लोग 25-30 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाएं, लेकिन डेंटिस्ट के लिए कोई भी 25-30 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करेगा। इसलिए आपको डिसाइड करना चाहिए रियलिस्टिक एरिया जिसमें लोग सर्च करें और आपके बिजनेस पर आए भी, जिससे आपके बिजनेस को रैंक कराने का बेनिफिट मिले। सो हम कीवर्ड और लोकेशन दोनों को अब लिखते हैं बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस और ये बन गया हमारा फोकस वर्ड। इसमें आप ध्यान दें कि मैंने नियर मी को यूज नहीं किया है, बिकॉज नियर मी इज नॉट रियली अ स्पेसिफिक एरिया। आप गूगल को अपने एरिया के बारे में कन्विंस करेंगे और फिर गूगल डिसाइड करेगा कि आखिर वो सर्च करने वाले के लिए नियर मी है या नियर यू है या नियर देम है। आपको नियर मी यूज नहीं करना अपने कंटेंट में। ओके, सो हमारा फोकस वर्ड रेडी हो गया है बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस। इसे याद कर लीजिए कंप्लीटली ताकि बार बार देखना ना पड़े और फिर हम आते हैं अपने लैंडिंग पेज पर और लैंडिंग पेज पर इनफैक्ट पूरा नहीं आएंगे। मैंने क्रोम को यूज करके लैंडिंग पेज ओपन किया है और सबसे पहले यहीं ऊपर माउस को होवर करूंगा टैब पर और आप देख सकते हैं कि इस पेज का टाइटल या फिर मेटा टाइटल या फिर जो भी वर्ड आप यूज करना चाहे वो क्या है। ये मेटा टाइटल अपने आप में बेस्ट हो सकता है लेकिन हमारी लिस्टिंग के लिए बेस्ट नहीं है। यहां इस टाइटल का पहला पार्ट ही होगा बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस एज इट इज।
जो कि हमारा फोकस वर्ड है। टॉप डेंटल क्लिनिक नहीं यूज करेंगे, ट्रस्टेड डेंटल क्लिनिक नहीं यूज करेंगे, अवार्ड विनिंग डेंटल क्लिनिक नहीं यूज करेंगे। आपका फोकस वर्ड जो होगा वो है बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस, उसे ही हम इस मेटा टाइटल में सबसे पहले यूज करेंगे। फर्स्ट प्लेस हो गई, अब आते हैं सेकंड प्लेस पर, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का कोई इश्यू नहीं है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पहले यूज करें फोकस वर्ड को या फिर बाद में यूज करें, बट बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस को एज इट इज यूज करेंगे। थर्ड प्लेस है हेडिंग्स। हमारे इस लैंडिंग पेज पर 3 H2 हैं और 4 H3 हेडिंग्स हैं और इन सब में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा, कोई शक नहीं है, आपके कंटेंट राइटर ने अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमारा फोकस कीवर्ड नहीं है। हम इन्हें एडिट करेंगे और अपने फोकस वर्ड को बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस को यूज करेंगे 3 में से 2 H2s में और 4 में से 2 H3 हेडिंग्स में। सो आधे हेडिंग्स में हमारा फोकस वर्ड आ गया। नाउ एकदम ब्लंट होकर जबरदस्ती ठूंसना नहीं है, क्रिएटिव होना पड़ेगा। कंटेंट को अगर रीशफल करना पड़ता है तो कर लीजिए, थिंक क्रिएटिव, जबरदस्ती ठूसा हुआ कीवर्ड नहीं लगना चाहिए बट यूज करना है। फोर्थ प्लेस होगी लैंडिंग पेज का मेन टेक्स्ट। हम अपने फोकस वर्ड बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस को लैंडिंग पेज के मेन कंटेंट में, मेन टेक्स्ट में जरूर यूज करेंगे कम से कम एक बार। ये प्लेस सबसे आसान है बिकॉज आप कर ही लेंगे इतने बड़े टेक्स्ट में। नाउ मेन टेक्स्ट क्या होता है, जो ये साइड बार है, ये जो फुटर है या जो टॉप हेडर है, इन सब पे नहीं, जो इस पेज का प्राइमरी कंटेंट है जिसे आप बीच में लिख रहे हैं, यही है इस पेज का मेन कंटेंट। यहां पर आपको मिनिमम एक बार अपने कीवर्ड को, फोकस कीवर्ड को यूज करना है। फिफ्थ प्लेस होगी वेबसाइट के मेन टेक्स्ट में फोकस वर्ड को दो बार और यूज करना, लेकिन इस बार डिफरेंस क्या होगा, इस बार हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन स्टाइल में यूज करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन स्टाइल, तो हम फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मिलाकर देखते हैं तो वेबसाइट के मेन टेक्स्ट में अपने फोकस वर्ड को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन स्टाइल में मेंशन करना है। इन तीनों का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम क्या था, स्माइल डेंटल क्लिनिक, और हमारा फोकस वर्ड क्या है, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस। सो फर्स्ट पर्सन स्टाइल में हम ऐसे लिखेंगे, एज द बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस वी प्रायोरिटाइज कंप्लीट ओरल हेल्थ फॉर एवरी पेशेंट। ये फर्स्ट पर्सन स्टाइल का एग्जांपल हो गया। सेकंड पर्सन स्टाइल में कैसे लिखेंगे, विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड कंपैशनेट केयर आर क्लिनिक इज रिगार्डेड एज द बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस बाय पेशेंट्स। ये हो गया सेकंड पर्सन का एग्जांपल। और फिर थर्ड पर्सन स्टाइल में कैसे लिखेंगे, इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपीरियंस डेंटिस्ट स्माइल डेंटल क्लिनिक इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस बाय फैमिलीज इन द एरिया। So, ये तीनों पर्सन के स्टाइल आपको क्लियर हो गए। आपको अपने बिजनेस और अपने एरिया, अपने फोकस वर्ड के लिए इसी तरह से, इसी एग्जांपल को यूज करके आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में एक एक बार कीवर्ड को पक्का यूज करना है वेबसाइट के मेन कंटेंट में। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पोजीशन पर, आपको अपनी वेबसाइट की फर्स्ट इमेज के ऑल टेक्स्ट में भी इस फोकस वर्ड को यूज करना है। हमारी इस लैंडिंग पेज का जो ये फोटो है ये है सबसे पहला, तो हम इसका ऑल टेक्स्ट बनाएंगे, बेशर्मों का यूज करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। वैसे alt attribute को हमेशा हम कहते हैं कि इसे रखना चाहिए image को explain करने के लिए, but यहाँ पर हमें अपने keyword को add करना पड़ेगा। और last area है photo section। ये वाली place थोड़ी सी tricky है। almost हर local website अपने footer में अपनी location का address mention करती है, और मैंने ही कई सारी videos में advice दी हुई है कि आपको website पर business का वही address use करना चाहिए, वही address लिखना चाहिए जो Google My Business listing में दिया हुआ है। लेकिन footer में जो ये address दिया हुआ है, वहां पर आपको address के साथ में अपने फोकस वर्ड को भी यूज करना है। यहां लैंडिंग पेज में अभी हमारी लिस्टिंग का एड्रेस दिया हुआ है, कोली नंबर 420 प्रेम गली रूप महल न्यू दिल्ली, बहुत ही बिलीवेबल एड्रेस है। बट इससे पहले हम यहां पर लगाएंगे बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस, और अब हमारा ये जो एड्रेस है वो कंप्लीट हो गया है लोकल बिजनेस में छा जाने के लिए, रैंक करने के लिए। सो ये थे वो 7 प्लेसेस जहां पर आपको अपने फोकस वर्ड को यूज करना है, आपका कीवर्ड है, आपका लोकेशन का नाम है, और इसके बाद देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है उसकी रैंक दिन ब दिन ऊपर चढ़ती जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप और किसी और ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।